अम्मा अभी दही बलो रही थी कि वो प्याला लिए आ निकली। ये देखकर कि अभी मक्खन ही नहीं निकाला गया तो लस्सी कहां से मिलेगी, वो शिशुपंज में पड़ गई कि वापस चली जाए या वहीं खड़ी रहे। आ गई आला, बैठ, देती हूं अभी। कैसी है तू? जी अच्छी हूं। वो वहीं बैठ गई जहां खड़ी थी। अब मैं मक्खन निकालने लगी हूँ, बुरा ना मानना, नियत साफ हो फिर भी नजर लग जाती है। अभी पिछले दिनों नूरा ने मुझे मक्खन का पेड़ा निकालते देख लिया, दूसरे दिन मुर्गी के अंडे बराबर मक्खन निकला, और उससे अगले दिन चिड़िया के अंडे बराबर। गाय को 3 दिन तक मिर्चों की धुनी दी, जब कहीं जाके नजर उतरी। नज़र तो कभी कभी मेरी भी लग जाती है बीबी जी, इससे पहले आपके शीशे का एक ग्लास तोड़ चुकी हूँ। हाँ, तूने कहा तो था बीबी जी कि क्या साफ शफाफ है, नज़र आर पार हो जाती है। बस यूं ही पड़े पड़े छन से टूट गया, मैं तो हैरान रह गई। पगली, नज़र तो प्यार की लगती है, कोई दुश्मनी में थोड़ी लगती है। अब तू परे को देख। और वो मुस्कुराती हुई एक तरफ को घूम गई और सामने देखने लगी। बीबी जी, अंदर छोटे मियां जी तो नहीं बैठे? अरे वो आ रही थी तो है, रात तो आया है। मुझे देखते ही वो दुपट्टे का पल्लू आधे सर पर से खींचकर माथे तक ले आई। रद्द बलाएं दूर बलाएं। कैसी हो आला? जी अच्छी हूं। पहले तो मैं आपको पहचानी ही नहीं, मैं समझी कोई बच्चा मूछे लगाए बैठा है। कमबख्त कैसी बातें करती है। आलान दहलीज पर यूं बैठ गई कि उसका एक पांव बाहर सेन में था और एक कमरे के अंदर। नशिस्त के इस अंदाज ने उसके नीले लाचे को तान कर उसकी आधी पिंडलियों से ऊपर कर दिया था। उसके मैले पांव के मुकाबले में उसकी पिंडलियों का रंग कितना मुख्तलिप था। यूनानियों ने वीनस के बुत की जो पिंडलियां बनाई थीं, क्या वो आला की पिंडलियों को देखकर बनाई थी? आरिफ मियां, परदेश में आप करते क्या है? उसने मुझसे यूं पूछा जैसे चौपाल में बैठी गप लड़ा रही है। साथ ही वो अलमुनियम के प्याले को फर्श पर एक उंगली से मुसलसल घुमाए जा रही थी। मैंने कहा, नौकरी करता हूँ, रुपए कमाता हूँ। अम्मा को कितना भेजते हैं? ए लड़की, अपनी उम्र के लड़कों से ऐसे बातें नहीं करते, अब तू बड़ी हो गई है, बताया नहीं तुझे किसी ने? वो दहलीज पर बैठी बैठी अम्मा की तरफ घूम गई। अब उसके दोनों पांव सहन में थे और बालों का एक ढेर कमरे में था। कौन बताए बीबी जी? अम्मा अब्बा होते तो बताते, उन्हें खुदा के पास जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरे सर पर से हाथ उठाया तो इतना इंतजार भी ना किया। किस लड़की के सर पे कोई हाथ रख के तो चले।
तुम्हारी माँ तो कब की चल बसी, क्या तुम्हारा बाप भी चल दिया? हाँ, वो भी चला गया। अब मैं लड़का होती तो शायद जूते गांडना सिखा जाता, पर उसने मुझसे रोटियां ही पकवाई। अब मैं एक मोची की बेटी हूँ, लेकिन अपने जूते दूसरों से मरम्मत कराती हूँ। तो क्या हुआ, तुझे चप्पल गांठना नहीं आती तो क्या है? बाकी तो तू सारे काम जानती है ना, अपनी मेहनत से कमाती है, अपनी मेहनत का खाती है, सारा गांव तेरी तारीफ करता है। ले। आज भी चक्की पीसने आ जाओ बीबी जी। आ जाना आ जाना, ढेरों आटा पड़ा है। वैसे भी आरिफ के अब्बा की बरसी दूर नहीं, क्या ही बोरियां चाहिए होंगी। आ जाना। आरिफ मियां, आप कितनी छुट्टी पे आए हैं? अब्बा की भर्सी करके जाऊंगा। फिर तो बहुत दिन है। मैं जब गांव में इधर उधर घूम कर वापस आया तो वो अंदर एक कोठरिया में बैठी चक्की पीस रही थी। ओढ़नी उसके सर से उतर गई थी। और खुले बाल चक्की के हर चक्कर के साथ उसके चेहरे को छुपा और खोल रहे थे। उसने एक टांग को पूरा फैला रखा था और नीला लाचा उसके घुटनों तक खींच गया था। मैंने इधर उधर देखा, अम्मा नजर ना आई तो मैं पंचों के बल कोठरिया की तरफ गया। दरवाजे से आती हुई रोशनी जब कम हुई तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, चक्की को रोक दिया, बालों को झटक कर समेटा और ओढ़नी को अपने सर पर खींच लिया। मगर फैली हुई टांग को फैला रहने दिया। चक्की की हत्थी को थाम कर आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगी और मेरी तरफ देखती चली गई। उस वक्त मेरा पहला तासुर यह था कि एक मोची की बेटी की आंखों को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। गरीब गुरबा को छोटी छोटी आंखें ही कफायत कर जाती हैं। उसके चेहरे पर शरारत थी और उस डर के मारे कि वो कोई फिक्रा ना मार दे, मैंने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? तो क्या आप यहाँ बीबी जी को देखने आए थे? तो क्या तुम्हें देखने आया हूं? अम्मा कहाँ हैं? बीबी जी यहीं हवेली में हैं। आपके चचा की बेटी बीमार है, उन्हें देखने गई हैं। ये जो तुम पिसाई कर रही हो उसकी कितनी उजरत लोगी? दो दिन का आटा तो मिल ही जाएगा। उसके लहजे में काट सी थी, न जाने तंस कर रही थी या उसका लहजा ही ऐसा था। अच्छा, दो दिन गुजर गए,
तो फिर क्या करोगी? फिर आ जाऊंगी चक्की पीसने, या पानी भरने, या छतें लेपने। छतें लेपने? तो क्या तुम्हें छतें लेपना भी आता है? मुझे क्या नहीं आता आरिफ मियां, बस एक जूते गाँटने नहीं आते। और बहुत कुछ आता है। मसलन और क्या क्या आता है? और सभी कुछ आता है, आप भी देख लेंगे होले होले। चंद लम्हे वो यूं चक्की चलाने में मसरूफ रही जैसे मुझे भूल गई है, फिर चक्की रोक कर उठ खड़ी हुई। मुझे प्यास लगी है, लेकिन बीबी जी का कटोरा झूठा हो जाएगा। आप मुझे बुक में ही पिला दीजिए। जाओ उठाओ कटोरा, उठाओ कटोरा, पियो पानी, जाओ। उसकी मुस्कुराहट कितनी गुलाबी थी। जिंदगी में पहली बार इंकशाफ हुआ कि मुस्कुराहट का भी रंग होता है। भर दो इसको, भर दो। वो समझी शायद मैं कटोरे को पूरी तरह पाक कराना चाहता हूं। कटोरा भर गया तो उसने मेरी तरफ देखा। और मैंने कटोरा उसके हाथ से उचक कर मुंह से लगा लिया। वो इंतहाई हैरत और सदमे से बोली। वो हवास बाख्ता सी मेरी तरफ देखती रही और जब मैंने खाली कटोरा वापस किया तो उसके हाथ में राशा था। उसने ओटनी को यूं कस के लपेट लिया था जैसे नमाज पढ़ने चली है। उसकी आंखों पर नमी की एक चमकीली तह नमूदार हो गई थी। गांव में जवान लड़की का एक एक कदम गिना जाता है, एक एक नजर का हिसाब रखा जाता है। बहुत से दोस्त बैठे थे, लड़कियों का जिक्र हो रहा था कि फलां फलां के साथ है, फलां फलां के पीछे। पर मैंने कहा वो एक लड़की आला भी तो है। नादिर मुझे वो किसी काम की नहीं है, वो घर घर में जाकर काम करती फिर रही है, रुपया कमा रही है। खूबसूरत है, है निकम्मी। एक बार पेगू मुचल ने छेड़ा तो बोली मैं मोची की बेटी हूं,
खाल उतार लेती हूँ। यह सुनकर बेगू शर्माया। बेगू को इतनी शर्म आई कि वो नाई के पास गया और अपनी मूछों की नोके कटवा दी। अगर वो इतनी अच्छी लड़की है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो इज्जत भी तो नहीं करने देती। तुम्हारे यहाँ तो बहुत काम काज करती है, कभी उसकी इज्जत करके देखो, काल उतार लेगी। वो फिर हंसने लगे और मुझे उनकी हंसी में शरीक होना पड़ा, मगर मुझसे अपनी हंसी की आवाज पहचानी नहीं गई। बिल्कुल टीन के खाली कनस्तर में कंकर बजने की आवाज। मैंने सोचा अच्छी लड़की है, प्यारी भी है, शोख भी है, सब कुछ है, मगर आखिर मोची की लड़की है। और खानदान के बुजुर्ग कह गए हैं कि बुलंदी पर खड़े होकर गहरे खड्ड में नहीं झांकना चाहिए, तवाज़न बिगड़ जाता है और आदमी गिर जाता है। अब्बा की बरसी के रोज पूरा गांव हमारे यहां जमा था, लेकिन उस हजूम में भी आला की दौड़ भाग नुमाया थी। फिरकनी की तरह हजूम में घूम फिर रही थी। यूं मालूम होता था कि अगर यह लड़की इस हजूम से निकल गई तो बरसी की सारी तंजीम बिगड़ कर रह जाएगी, हर तरफ लूट पड़ जाएगी। वो बिल्कुल बर्मे की तरह हजूम में रास्ता बनाती हुई निकल जाती। गड़ाप से अम्मी के कमरे में जाकर उनसे हदायत लेती और वापस निकलकर फिर से हजूम में वर्मा लगा देती। इशा की अजान तक सारा गांव खाना खा चुका था। खाली देगे एक तरफ समेट दी गई थी। मीरासी, धोबी, नाई, मोची भी फारिग कर दिए गए थे। दिन भर की गहमा गहमी के बाद एक बहुत भारी सन्नाटा घर पर टूट पड़ा था। आखिरी मेहमान को रुखसत करके मैं अम्मी के कमरे में आया। मुझे पूरा यकीन था कि आला इस वक्त बैठी अम्मी के बाजू और पिंडलियां दबा रही होगी, मगर अम्मी अकेली बैठी थी। शायद जिंदगी में पहली बार उनका लिहाज किए बगैर मैंने उनसे पूछ ही लिया, आला कहाँ है? वो लड़की हीरा है, बिल्कुल हीरा। आज तो वो मेरी आंखें, मेरे बाजू
सब कुछ बनी हुई थी। सारे दिन की थकी मांदी जब खाना खाने बैठी ना, तो दो चार निवालों के बाद ही उसका जी भर गया। उठकर जाने लगी। मैंने उसे रोका। उसकी देगची चावलों से भरी और उसको ले जाने को कहा। तो वो बोली कि ये चावल मुझे अगर आरिफ मियाँ देते तो भला लगता, औरों को रुख्सत करते रहे, पर मुझे तो पूछा ही नहीं, मैं नहीं लेकर जाती। उसने ये बात हंसी में कही, लेकिन उसने ठीक कहा बेटा, अंदर का सारा काम उसी ने संभाले रखा। तुम सबको रुख्सत करते रहे, उसे भी रुख्सत कर देते। वैसे तो वो हंसती चली गई, मगर उसे तो हंसने की आदत है। और बेटा, जिन लोगों को हंसने की आदत होती है ना, उन्हें रोना भी हो तो हंसने लगते हैं। जब हंसते हैं ना, तो वो अंदर से रो रहे होते हैं। एक मोचन समझकर बेटा तुमने आला की इज्जत नहीं की। हालांकि आला का एक अपना ही मान है, उसके मान को कायम रखो बेटा। वो चावलों की देगची उसे दे आओ। अभी थोड़ी ही देर पहले तो वो गई है, सोई नहीं होगी। वैसे भी कल सुबह सुबह तुम चले जाओगे। क्या याद करेगी तुम्हें। जाओ बेटा, जाओ। अरे आरिफ मियाँ जी। चावल ही देने आए होंगे। हाँ, चावल ही देने आए। लाइए। बीबी जी ने बताया होगा कि मैंने क्या कहा था। हाँ बताया। घर पे देते तो और ज्यादा अच्छा लगता, पर अभी भी अच्छा लग रहा है। कल सुबह वापस जा रहा हूँ। वो मुझे मालूम है। मालूम था तो वहाँ घर पे जरा सी रुक जाती। आपके कुर्ते का आखिरी टांका बाकी था, वही आके लगाया है। बक्से में उस कुर्ते की जगह तो होगी ना। और हाँ, सुबह आपका बक्सा उठा के बस के अड्डे पे मुझे ही तो पहुँचाना है, बीबी जी ने कहा है। तुम क्या कुछ कर लेती हो आला। छते तुम लेप लेती हो, चक्की तुम पीस लेती हो, मिर्चे तुम कूट लेती हो, कुएं से दो दो तीन तीन गड़े पानी तुम निकाल लेती हो, पूरे घर का काम तुम संभाल लेती हो, कुर्ते तुम काट लेती हो, बोझ तुम उठा लेती हो। तुम किस मिट्टी से बनी हुई हो आला। वो खामोश खड़ी रही, फिर दो कदम उठाकर मेरे
इतने करीब आ गई कि मुझे अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस होने लगी। मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ आरिफ मियां। उसकी आवाज में झंकार सी थी। आपको क्या मालूम मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ। जरा से वक्फे के बाद वो बोली, मुझसे पूछिए ना आरिफ मियां, मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ। पहली जमात के बच्चे की तरह मैंने उससे पूछा, तुम क्या कर सकती हो। मैं प्यार भी कर सकती हूँ। उसने जैसे कायनात का राज फाश कर दिया।